हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता किचन एंड आर्ट। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे केले का कोफ्ता। तो देखिए, ये कच्चा केला था, उसे मैं उबाल दी हूँ कुकर में डाल के। ये देखिए, दो या तीन सीटी दीजिए, फिर केला अच्छे से उबल जाता है। ये देखिए, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए कोफ्ता बनाने के लिए, आइए देख लेते हैं। ये टमाटर, प्याज, मैं पेस्ट बना ली हूँ टमाटर प्याज का, और ये लहसुन, ये हरी मिर्च, और ये अदरक, और यहाँ है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और जीरा, और हमें चाहिए बेसन और ये तेज पत्ती। तो चलिए हम कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने केले के छिलका को उतार करके उसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी बेसन, दो से तीन चम्मच बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और जो हरी मिर्च की चटनी बनाए थे वो, थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट। चलिए अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसका हम कोफ्ते बनाएंगे। छोटा छोटा लेंगे ऐसे, उसे बिल्कुल ऐसे गोल। देखिए ऐसे गोल गोल बना देना है। ये देखिए फ्रेंड, हमने सारे कोफ्तों को बना के रख लिए हैं। चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम कढ़ाई में तेल डाल लेते हैं। चलिए फ्रेंड, हमारा तेल गरम हो गया, अब हम इसमें कोफ्ता डाल लेते हैं। एकदम ज़्यादा गरम ना होने दें, धुआं उड़ते तक गरम होने देंगे तो कोफ्ता ऐसे जल जाएगा। तो कम टेम्परेचर में फ्राई करना है। मैं ज़्यादा तेल डाल दूँगी इसको, बहुत सारे एक बार में फ्राई हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड, अब इसे अच्छे से फ्राई होने देते। ये देखिए फ्रेंड, इसे एक बार पलट ली हूँ मैं, ये भी हल्का हुआ है, इसे और अच्छे से होने देना है एकदम ब्राउन। ये देखिए फ्रेंड, हमारा कुछ तो बिल्कुल हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने निकाल लिया अपने कोफ्तों को। चलिए अब इस तेल में हम डालते हैं जीरा, तेज पत्ता, प्याज को थोड़ा ब्राउन होने देते हैं। देखिए अब हम डालेंगे टमाटर, ऐसे देखिए। अब इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन पेस्ट और ये हरी मिर्च का जो चटनी बनाती है। अब चलिए मसाले को अच्छे से फ्राई होने देते हैं, तेल के छोड़ते तक ही फ्राई होने देते हैं। चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं ये नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ये गरम मसाला।
आप चाहे तो इसमें बेसन भी डाल सकते हो। बेसन डालने से जो ग्रेवी हमारी बनेगी वो थिक बनेगी, तो आप चाहे तो थोड़ी सी एक चम्मच या दो चम्मच बेसन इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ऐसे ही हमारा जो मसाला है वो तेल ऐसे छोड़ दे, तभी समझ आएगा कि हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। तो देखिए हमारा मसाला जो है तेल छोड़ने लग गया। ये देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें पानी डाल दूँगी। अब इसमें ये देखिए फ्रेंड, मैं चाकू से हल्का सा छेद करती हूँ सभी कोफ्तों में, ताकि ग्रेवी जो है वो अंदर तक भीग जाए। तो आप भी ऐसे कर सकते हो ग्रेवी को अंदर तक भिगाने के लिए। ये देखिए हमारे को ग्रेवी में उबाल आने वाला है। उबाल आने के बाद हम कोफ्ते को डाल देंगे इसमें। देखिए मैं कोफ्तों को डाल देती हूँ। ये देखिए मैं सारे कोफ्तों को डाल दूँगी। अब इसे लो फ्लेम पर कम से कम 5 से 7 मिनट तक के पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा कोफ्ता तैयार हो गया बिल्कुल। अब इसमें मैं धनिया की पत्ती से गार्निश कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा कोफ्ता बिल्कुल तैयार है। ये कोफ्ता बहुत ही सॉफ्ट बना है। देखिए ये देखिए, हल्की सी कट करने पर ही अंदर तक तो ग्रेवी चली गई है। अगर आपको मेरी कच्चे केले के कोफ्ते बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।